नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि अगेन अभी के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि 430 रुपए को 45 लोगों में बांटा जाता है, और इन लोगों में कौन कौन है? एक तो मेन है, एक वुमेन है और कुछ बच्चे हैं। और इनका रेशो बताया गया है, जो टोटल अमाउंट है उसको इस रेशो में बांटा गया है। इसके बाद जो संख्या है मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन की, वो है 6:5:4। आपको बताना है कि हर एक वुमेन को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो रेशो का क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 45 persons, 45 लोग हैं, 45 व्यक्ति हैं। तो 45 को हम किस रेशो में बांटने वाले हैं? जो रेशो दिया गया है, कौन कौन है? मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, पुरुष महिलाएं और बच्चे। तो क्या रेशो है, देखिए 6:5:4 का आपका रेशो है। इसके बाद तो अब देखिए, अगर ये टोटल 45 है और इस रेशो में बांटा गया है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 45 के कितने टुकड़े किए गए होंगे? 45 के 6, 5, 11 और 4, 15। ये टोटल कितने हैं? 15। मतलब रेशो के हिसाब से देखा जाए तो ये 15 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 15 की वैल्यू 45 है, क्योंकि 45 लोग हैं। तो हमारा 15 45 के बराबर है, तो हमारा 1 किसके बराबर हो गया? 15 * 3 = 45, यानी कि 3 के। यानी कि अगर नंबर ऑफ मैन निकालने हो तो 6 यूनिट कितनी होंगी? अगर 1 यूनिट 3 है तो 6 यूनिट होंगी 18। 5 यूनिट कितनी होंगी? ये होंगी 15। और 4 यूनिट कितनी होंगी? इंटू 3, ये होंगी 12। यानी अगर हम बात करें महिलाओं की, तो हमारे पास महिलाएं कितनी हो जाएंगी? ये है वुमेन, और वुमेन हो जाएंगी हमारे पास 15। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि वुमेन जो है उनकी जो संख्या है वो है 15। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, वुमेन ये है 15। ये हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने 45 से ये वुमेन निकाल ली। अब इसके बाद कहा गया है कि टोटल 430 रुपये है जिसका वितरण किया गया है, और सभी को जो पैसा मिला है, मेन वुमेन और चिल्ड्रन का, वो क्या है? तो वो है 12, 15 और 16। इसका मतलब ये टोटल पैसा है, और जितने भी वुमेन हैं उनको 15 मिला है, मैन को 12 मिला है और चिलन को 16 मिला है। यानी ये टोटल अगर देखें तो कितने आ जाएगा, कितना पैसा है हो जाएगा टोटल? तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा ये 27 और 16 43। यानी कि 43 टोटल मैन को, वुमेन को, चिल्ड्रन को, सबको मिलाकर 43 रुपया मिल रहा है। लेकिन 43 रुपया तो मिल रहा है, लेकिन हमें कहा गया है 43 नहीं, 430 रुपये मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 43 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 430 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 430 / 43, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें वुमेन का पूछा गया है, तो वुमेन को कितना पैसा मिलेगा? 1 की वैल्यू है 10, तो वुमेन कितनी है? 15 है। तो 15 को कितना मिलेगा? 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 को 10 रुपये है, 1 की वैल्यू 10 रुपये, तो 15 की हो जाएगी 15 × 10, यानी 150। यानी कि महिलाओं को पूरा पैसा जो मिलेगा वो कितना होगा? 150। अब अभी अभी हमने देखा था कि 6, 5, 4, और यहाँ से 45% से जो 45, ये 6, 5, 4, ये 15, और वुमेन थी हमारे पास यहाँ से 15। तो 15 महिलाएं हैं, देखिए 150 रुपये मिल रहा है सभी महिलाओं को। महिलाएं हैं कितनी? 15 ही महिलाएं हैं, हमने अभी निकाला था इससे पहले। तो 15 वुमेन, इनको मिलता है 150 रुपया। तो एक वुमेन का पूछा है, देखिए हाउ मच मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच वुमेन। तो एक वुमेन को कितना मिलेगा, एक वुमेन को कितना मिलेगा? तो आप समझ जाएंगे कि भाई 15 वुमेन को इतना, तो एक को डिवाइड करना पड़ेगा 150 / 15, जो कि हो जाएगा 10। तो ये इसका आंसर। अब इसको जल्दी से कैसे करेंगे एग्जाम में, देखिए सबसे पहले जो भी हमें टोटल लोग हैं उनका रेशो दिया गया है, संख्या का रेशो कितना है? 45।
तो 45 के कितने टुकड़े करेंगे, 15, और हमें सिर्फ वुमेन चाहिए तो वुमेन का रेशो ये सेकेंड वाला है यानी कि 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितनी महिलाएं हैं, 15 महिलाएं हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अमाउंट पर, मनी पर। तो पैसा कितना है जी, पैसा है 430 रुपया, और किस रेशो में बांटा गया, ये 430 टोटल है तो यहाँ से इनका भी टोटल करेंगे तो ये आ गई आपकी एक एक यूनिट की वैल्यू। जैसे यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू आई थी 3, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 15, ये भी 430 को टोटल 43 टुकड़ों में बांटा गया तो एक टुकड़ा इतने का। वुमेन पूछ रहा है, वुमेन है 15, तो ये आप देख सकते हो ये 10, तो टोटल पैसा कितना मिला महिलाओं को, 150। महिलाएं हैं कितनी, 15, तो एक को कितना मिलेगा, 150/15 यानी कि 10 रुपये। तो ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।